गलतियां बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। सर्वे भी हो चुका, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके परिवार के सदस्य आ चुके हैं, आपकी चिंता पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। धारित बनाए रखो, मैं आ गया, मुआवजा मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो धारित बनाए रखो, ठीक है। मैंने सर्वे भी करा दिया, बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा, ऐसा मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो ना। चलो चलो महाराज, सबकी चिंता है, महाराज आपके परिवार के सदस्य आपकी चिंता कर रहे हैं। आते थे 10 दिन बाद, जी जी ठीक है सर। मैंने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि मेरे आने के पहले प्रशासन को पूर्ण सर्वेक्षण करना चाहिए। ऐसा कभी भी पिछले 30 साल में 40 साल में नहीं हुआ है कि शांति, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं आपका हूँ जी, उसको चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरी चिंता है, जी ठीक है। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ पहाड़ा जी, आप में से 2-3 लोग वहीं आ जाओ जी जी, और वहाँ आप सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ जी जी, आप लोगों को सबको संतुष्टि भी हो जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ, आपको मालूम है हमारा परिवार आपके साथ खड़ा है, ठीक है। एक मिनट साथ देख लेते हैं, आप में से 1-2 लोग वहाँ आ जाना, ठीक है। पिली गटा पिली गटा, हमारे जो यहाँ गरीब लोग जिनको प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जो कोरोना काल में शुरुआत हुई थी गरीब कल्याण अन्न योजना, जहाँ 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश में मुफ्त में अनाज और राशन पहुंचाने का कार्य हुआ था, मैं प्रशासन और कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इन गरीबों को भेटाघाट में थोड़ा अतिरिक्त राशन और अनाज पहुंचाने का कार्य प्रशासन के द्वारा। जय सिंधिया, जय सिंधिया, जय सिंधिया। हमारे यहां जब फसल का नुकसान होता है तब अगर हम उसे पोर्टल पे डालते हैं तो जिस किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर ऋण लिया है उसे उस फसल की बीमा राशि भी मिलती है। तो कृपा करके प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे किसानों को मदद कर लें, ताकि उस किसान क्रेडिट पोर्टल पर रेखांकित कर लें कितना नुकसान हुआ है, ताकि वो बीमा राशि भी मेरे किसानों को मिल पाए। ये मेरा दूसरा निवेदन, और मेरा तीसरा निवेदन कि भेटाघाट में कृषि प्रधान क्षेत्र तो है ही, ज्यादा करके हमारे अन्नदाता यहां रहते, पर भेटाघाट में हमारे कुछ श्रमिक भी रहते हैं, और ये इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, जो अभी हमारे एक दादा कह रहे थे कि 2 किलो 700 ग्राम सात ओले कि उनके टपरे भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। तो जिन श्रमिकों के टपरे नष्ट हुए हैं थोड़ा मदद प्रशासन से भी उनके टपरों के लिए। ये शायद पहली बार